के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम कैसे आती है। देखिए, हमारे फोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन से ना जितने भी फालतू के ऐप्स हैं, यानी कि जिन ऐप्स को आप अपने फोन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करता हूँ। इसमें देखिए राइट साइड के टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे टैप करना है, आपका एक पेज आता है, इसमें बैकअप सेटिंग मिलती है। तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद कर रखा है, ठीक है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको ये बैकअप सेटिंग इसी तरीके से बंद रखनी है। इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप के अंदर बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। देखिए दोस्तों, ऐप्स की बैकअप सेटिंग को इसलिए बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकअप सेटिंग चालू रहती है ना, तो इससे हमारे फोन का इंटरनल स्टोरेज जल्दी जल्दी फुल हो जाता है, जिसके कारण हमारे फोन में बार बार जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए आपको इन बैकअप सेटिंग को बंद रखना है, जिससे आपके फोन की स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन की ना गैलरी, मोबाइल फोन की जो आपकी गैलरी है ना, मोबाइल फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी बाकी डेटा बचा हुआ है, सभी डेटा का अपना अपने फोन में बैकअप ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।